मोलिटर लिजार्ड, इसको अपने देसी भाषा के अंदर गोयली बोलते हैं, इसके अंदर भी जहर नहीं होता, इसको बोलते हैं चंदन गोयरा, जो कि एक भ्रांति है कि इसको खाने से कोई भी पानी तक नहीं मांगता और तत्काल प्रभाव से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों का अंतर, ये मेरे हाथ में गोयली है जिसको मोनिटर लिजार्ड बोलते हैं, ये मेरे हाथ में, इसको देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में चंदन गोयरा, इसके अंदर भी कोई जहर नहीं होता है, ये कृपया प्रकृति के मित्र हैं, इनको नहीं मारे, बिल्कुल डरे नहीं, ये जहाँ भी दिखे इनको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें कोई जहर नहीं होता है। मैं पुनः सबसे अपील करना चाहूँगा कि कृपया इनको नहीं मारें, इनमें कोई जहर नहीं होता है। इसकी जो भ्रांति है कि फूंक देता है तो यह मनुष्य मर जाता है या बाइट कर लेता तो आदमी पानी भी नहीं मांगता, ऐसा नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जस्ट वह बाइट, इसकी बाइट दिखाई जाएगी, यह पूरी बाइटिंग है। ओके, किसी भी एरिया में इसकी बाइट बोलते हैं ऐसा कि मतलब जैसे कि टचिंग होते ही मृत्यु निश्चित है, ये भ्रांतियाँ हैं। और इनको पुराने लोग जिनके पास समझ नहीं थी, जो रेस्क्यूअर नहीं हुआ करते थे और वन विभाग इतने मुस्तैद नहीं थे पुराने ज़माने में, तो लोगों को भ्रांतियाँ मारते, लेकिन जब किताब सुई, जब वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक रीज़न दिया और इसकी थ्योरी हुई, इस पर जब सर्च हुआ और इनका कोर्स बना, तो उसके आधार पे ये विष ही नहीं, इनमें किसी में भी, इन किसी भी जानवर में विष नहीं होता, ये है बिग साइज है, ये भी काट लेती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसको पकड़ो मॉनिटर, इसको छोटा पकड़ो, छोटा पकड़ो, ये आप देख सकते हैं कि इसकी बाइट कितनी तेज है, और उसके दांत आप देख सकते हैं इधर से कि ये इसने पूरी बाइट कर ली, हो सकता है मेरा ब्लडिंग हो जाए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपको ये दिखा के अपनी वाह वाही नहीं करनी, आपको नॉलेज देना है और इन जीवों को बचाना क्यों आवश्यक है, इसलिए ये कार्य हो रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का बाइट करने से मर जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, हम आपको बाइट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग से ये भ्रांतियाँ निकले, अंधविश्वास निकले। चलिए,